वर्तमान में वर्तो भाई भूत भविष्य सब देव भाई। भविष्य देह निज छूटी हैं, भूत न आवे हाथ। वर्तमान चिंता हरे तब कब हो सनात। भविष्य में तो अपना शरीर छूट जाने वाला है, इस क्षण के आगे ये शरीर छूट जाने वाला है। भविष्य देह ने छूटी है, भूत न आवे हाथ। जो बीत गया है वो हाथ आने वाला नहीं। और वर्तमान चिंता हरे, वर्तमान में चिंता करके समय को बर्बाद कर रहे हो, तब कब हो सनात, कब सनात हो। इसलिए भूत भविष्य का फेर तज्जो पावे निजराज, सो कस अटके ताए में वर्तमान करिकाज। जो भूत भविष्य का चक्कर छोड़ देता है और वर्तमान में काम करता है, वो अपने राज को पा जाता है। ये श्री विशाल साहेब की साखी है। पहली चौपाई श्री पूर्ण साहेब की। श्री रामराज साहेब ने कहा, संत सदा सुई परमानिक, जो निज घर की सुधि पाए। वही सदैव संत हैं, प्रामाणिक हैं, जिन्होंने अपने घर की सुधि पाई है। इन बातों पर विचार करें। हम और आप सब अपना अपना कहीं घर बनाए हैं, आश्रम बनाए हैं, लेकिन वो घर शरीर के लिए है। हमारा घर कहाँ? बंदे कर ले आपने वेरा, आप जीत लख आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। ये अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहें कबीर सुनो संतो कठिन काल को घेरा। ऐ संतो, ऐ बंदे, तू अपने आप का निवेरा कर ले। आप जीत लख आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। जीते जीते अपने को लख कि तू कौन है, और अपनी जगह बना। मर जाने के बाद तेरा घर कहाँ होगा इसका पता लगा। इस अवसर में नहीं चेता तो अंत में तेरा कोई साथी नहीं होगा। काल का घेरा बड़ा जबरदस्त है। क्या जिंदगी यही है, कमाए खाए बाल बच्चे पैदा करे, उनको पाले पोसे, रीझे खीझे और मर जाए। जानवर पेट भर लेते हैं, प्रजनन कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर ले तो उनको पाल पोस लेते हैं, और उनके लिए वो रिश्ते खींचते नहीं है। अब आदमी रिश्ता खींचता है जीवन भर। कमाना खाना बाल बच्चे पैदा करना पालना पोषना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। कमाना है क्योंकि खाना है, खाना एक मजबूरी है, इसलिए कमाना है। कमाते खाते हैं, जीते हैं। ग्रस्त के बाल बच्चे भी हो जाते हैं, उनको उन्हें निभाना चाहिए। लेकिन ये संसारी धंधा हुआ। आपका जो उद्देश्य है वो क्या है, आप चाहते क्या। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य स्थिर नहीं करना है, पहचानना है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, ये पहचानना है। स्थिर नहीं करना, स्थिर है प्रकृति द्वारा, स्थिर है केवल पहचान लेना है। हम क्या चाहते हैं? परम सुख, दुख नाम की चीज बिल्कुल न हो, केवल सुख सुख हो। तो स्वर्ग की कल्पना की गई। एक लोक है स्वर्ग, वहां सोने चांदी के मकान बने, और वहां जो जाता है दिव्य शरीर उसका रहता है, और वो बहुत दिन तक जीता, लाखों करोड़ों वर्षों तक जीता है। और इस्लाम और ईसाइयत तो कहते हैं कि वो गया तो सदा के लिए वहां रहता है। 30 वर्ष की उम्र का शरीर जैसे होता है बुलंद, वैसे सदा रहता है।
और वहाँ पर भोगों को भोगता है, कोई तकलीफ नहीं रहती है, ऐसी कल्पना कर रखी है। लेकिन वो सारी कल्पना यही है कि ऐसा सुख जिसमें दुख ना हो, लेकिन वो बाल लीला है। जब देह कोई धरेगा तो देह छोड़ेगा जरूर, और देह तत्वों के कण से बनती है, वो बिगड़ेगी, स्थिर कैसे रहेगी? इसलिए वो बच्चों का खिलवाड़ है स्वर्ग। हमारी अपूर्ण इच्छाएं स्वर्ग का प्रजनन करती हैं, स्वर्ग का रूप गढ़ती हैं। हमारी इच्छाएं संसार में पूरी नहीं होती, पूरी होगी भी नहीं। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, इच्छाओं की निवृत्ति होती है। इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती, इच्छाएं छोड़ करके आदमी सुखी हो सकता है। इच्छा के पीछे पड़ोगे केवल चित्त जलेगा और कुछ नहीं होगा, और इच्छा को छोड़ दो बस आनंद कंद। हम ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें दुख नाम की कोई चीज ना हो, और ऐसा सुख कहीं नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। अनुकूल पत्नी, अनुकूल पति, अनुकूल पुत्र पाने के बाद भी वो सुख नहीं मिलेगा। अनुकूल पत्नी या पति मिल गए तो युवक युवती को तत्काल स्वर्ग तो दिखाई देता है, लेकिन थोड़े दिन में नरक दिखाई देने लगता है। पुत्र मिल गया, बड़ा बहुत खुशी, कुछ ही दिन के बाद पुत्र से रीझ खींच शुरू हो जाती है। धन मिल गया, बड़ी खुशी, लेकिन धन के पीछे जो दुख है वो धनियों से मिल करके देख लो। प्रधानमंत्री पद भारतवर्ष में सबसे ऊंचा पद है, राजनीतिक पद। मनमोहन सिंह कहा करते हैं, बहुत झंझट करेंगे, मैं इस्तीफा दे दूं। वो तो त्यागी पुरुष है, अद्भुत है, देवता है। बड़ा अच्छा संयोग इस समय है, हमारा राष्ट्रपति भी देवता है और मनमोहन सिंह देवता है, और सोनिया जो इसके पीछे है वो भी अद्भुत देवता है। पूरी दुनिया में उसकी जो प्रशंसा है, उसकी विनम्रता, शांत सहना, बड़ी अद्भुत बात है। ये तो प्रसंग बसात मैंने कहा, अटल जी भी बहुत अच्छे आदमी, राजनेताओं में भी अच्छे अच्छे लोग हैं। मनमोहन सिंह की बात आई, प्रधानमंत्री पद बहुत ऊंचा है, लेकिन मनमोहन सिंह बीच बीच में सुनता हूँ कहा करते हैं, अखबार में पढ़ नहीं पाता, जो अखबार पढ़ते हो बताते हैं, जो बीच बीच में कहते मैं छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूँ, परेशान करते हैं लोग। प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, परेशानी से और कुछ है, एक सेवा है बस। दुनिया में कोई न तो ऐसा पद है न चीज है जिससे आदमी को अनंत सुख मिले। और आपका उद्देश्य क्या है? पत्नी क्यों चाहते हैं? अनंत सुख के लिए। अरे देवियां पति क्यों चाहती हैं? ऐसा सुख मिले जिसमें दुख ना हो, कहाँ वहाँ सुख है, लेकिन चाहती यही, सब यही चाहते हैं, अनंत सुख, उस वह सुख जिसमें दुख ना हो, भय ना हो, छुटे ना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि यही अंदर की मांग है, हर जीव यही चाहता है, ऐसा सुख मिले जिसमें दुख ना हो। ऐसा सुख कहाँ है? दुनिया में नहीं, संसार के भोगों में नहीं, वह है आत्मा में लौटने पर। अपने में लौट आओ, वर्तमान में अपने में लौट आओ। कुछ लोग कहते हैं आत्मा अमर है, कुछ लोग कहते हैं आत्मा अमर नहीं, कुछ लोग कहते हैं पहले हमारा जन्म रहा और आगे भी रहेगा, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं। ये दो मत है, आत्मा अमर है, पुनर्जन्म होता है,
इसकी इसको चुनौती अगर देने वाले देते हैं कि सिद्ध करो, तो पुनर्जन्म मानने वाले, आत्मा अमर मानने वाले उनसे कहते हैं कि आप सिद्ध करो कि नहीं होता है आत्मा, मर जाने के बाद आत्मा नहीं रहेगा। आप किस प्रमाण से कहते हैं नहीं रहेगा? रहता हो तो क्या प्रमाण दे सकते हैं? पुनर्जन्म होता हो तो, पुनर्जन्म तो सामने है, पहले लोगों का जन्म हुआ था, आज हो रहा है, आगे भी होगा। सत्ता में से ही तो पुनर्जन्म हो रहा है। ये जो कुछ सत्ता सामने जड़ चेतन की है, इसी में अरबों अरबों देहें बनती हैं और मिटती हैं। जैसे 10,000 टन मिट्टी आपके दरवाजे पर पड़ी हो और उसमें हजारों घड़े बनते हो और मिटते हो, बनते हो और मिटते हो। कुम्हार मिट्टी लेके हजारों घड़े बनाता हो, फिर टूट जाता हो, फिर बनाता हो, तो उसी मिट्टी की सत्ता ही में से तो हजारों घड़े बने और टूटे, बने और टूटे। तो घड़ों का पुनर्जन्म तो हो रहा है मिट्टी की सत्ता से। ऐसी सत्तात्मक जगत में से देहें बन रही और मिट रही हैं, बन रही और मिट रही हैं। पुनर्जन्म तो सामने है, पुनर्जन्म तो हो रहा है, ये असत्य कहाँ है? आत्मा है, वही जन्म धारण करता है। ये बात आंख से दिखाने की नहीं है, लेकिन आत्मा की सत्ता और पुनर्जन्म अगर ताल ठोक करके नहीं सिद्ध किया जा सकता है, तो कोई ताल ठोक करके सिद्ध नहीं कर सकता है कि आत्मा नहीं है और पुनर्जन्म नहीं, कैसे सिद्ध करेगा? होता हो तो, आत्मा अमर हो तो। इसलिए इस विवाद में न पड़े। काम करने वाला यह है कि वर्तमान में ठीक रहो। अगर आप कि इंद्रियां अपने वश में हैं, वाणी वश में है, मन वश में है, तो आपको शांति मिलेगी, सुखी रहेंगे। आपके संपर्क वाले सुखी रहेंगे, आपका व्यवहार उज्जवल रहेगा। जीवन भर आप संतुष्ट रहेंगे। और अगर आत्मा अमर है तो शरीर छूट जाने के बाद आपकी अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे संस्कार हो रहे हैं, ये संस्कार आगे भी अच्छे फल देंगे। अब अगर गलत कर रहे हैं तो गलत होगा। अगर आत्मा अमर नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, तो भी इस जीवन में तो आप सुखी रहेंगे। अगर अच्छे आचरण से रहते हैं तो सुखी रहेंगे। उम्र जाने पर तो सब खत्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन पवित्र आचरण से रहेंगे तो जीवन भर तो सुखी रहेंगे। लोग धन कमाते हैं और ये जानते हैं कि देह छूटने के साथ धन छूट जाएगा, लेकिन जीवन भर धन से सुखी रहने के लिए धन कमाते हैं। तो जीवन भर मुक्त रहने के लिए अगर आप मुक्ति की कमाई करें तो क्या बुरा है? मान लो आत्मा अमर नहीं है, मर जाने के बाद सत्ता नहीं रह जाएगी, तो जीवन में तो मुक्ति की जरूरत है, जीवन में सुख से रहने की जरूरत है। जीवन भर अगर मुक्त होके रहें तो बड़ा लाभ हुआ। जीवन भर धन का उपयोग होता है, जो धन आप कमाते हैं, और मर जाने के साथ धन छूट जाता है, लेकिन उस धन की कमाई लोग कितने जोर से करते हैं और जानते हैं कि मृत्यु के साथ धन जाएगा, लेकिन ये भी तो जानते हैं भाई जीवन भर धन की जरूरत है, इसलिए धन कमाते हैं। तो जीवन भर मुक्ति की जरूरत नहीं है क्या? जल जल के जीना है, चिंता करके जीना है, जिंदगी भर ऐसा जीना है मुक्त होकर, शांति में रहकर जीना, सुखी होके जीना।
मर जाने के बाद आत्मा की सत्ता नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। जीवन में हम सुखी रहेंगे जीवन भर, तो जीवन भर मुक्त रहेंगे, ये कम है। और कहीं आत्मा अमर हो तो मुक्त आत्मा आगे सदा मुक्त सुखी। और जो मान लिए कि नहीं आत्मा तो अमर है ही नहीं, पहले घोटाले में पड़ गए, पहले मनेन्द्रिय संयत है, तो जीवन भर दुखी है और मरने के बाद भी दुखी। आत्मा अमर है, अगर हम आपके सामने सिद्ध नहीं कर सकते तो आप ये नहीं सिद्ध कर सकते कि आत्मा अमर नहीं। क्या प्रमाण है अमर नहीं? अमर हो तो पुनर्जन्म है। हम अगर आपको आँखों से नहीं दिखा सकते तो आप ये नहीं सिद्ध कर सकते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है। पुनर्जन्म होता हो तो, इसलिए पुनर्जन्म होता है या नहीं, आत्मा अमर है या नहीं, ये दो मत है। अधिकतम लोग मानते हैं आत्मा अमर है, पुनर्जन्म होता है। अधिकतम लोग, 1% लोग है कि जो न माने, 99% से अधिक लोग मानते हैं आत्मा अमर है और पुनर्जन्म होता है। मुसलमान ईसाई भी पुनर्जन्म मानते हैं, स्वर्ग में और नरक में एक बार उनके यहाँ होता है। हिंदू समाज, बौद्ध, जैन ये बारंबार पुनर्जन्म मानता है, लेकिन ईसाई, मुसलमान इत्यादि एक बार मानते हैं। शरीर छुटा, आज पाप किया तो नरक में गया, पुण्य किया तो स्वर्ग में गया, तो जन्म तो हुआ। तो भौतिकवादी विचार कम है, लेकिन उनका उत्तर यह है कि आपको जरूरी क्या है इस जीवन में, चाहे भौतिकवादी हो चाहे आत्मवादी हो, हर इंसान को स्थिर आनंद की आवश्यकता है। कोई किसी को नहीं चाहता है, सुख चाहता है। अगर पता चले कि पत्नी हमारा गला कटा देगी तो आदमी पत्नी को निकाल देगा या मार डालेगा, और पत्नी के मन में कुछ ऐसा आ जाए तो पति का त्याग कर देगी। पुत्र का त्याग लोग कर देते हैं, माता पिता का त्याग कर देते हैं, अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। जब दुख से बहुत उब जाते हैं तो लोग अपने शरीर का ही त्याग कर देते हैं। कौन सी वस्तु अधिक प्रिय है? आत्मा। आत्मा के लिए हम सब कुछ करते हैं। देवी देवता को मनाते हैं, भगवान भवानी को मनाते हैं, और सब कुछ करते आत्मा के सुख के लिए। क्या आप नहीं हैं? कोई ये कह सकता मैं नहीं हूं? जो मैं करता रहता हूं कौन है? एक स्थिर तत्व है आत्मा। मैं का अनुभव जिसे होता है सब समय, वो एक स्थिर तत्व है जो संस्कारों को धारण करता है, जिसे यादगिरियां रहती हैं। जितने अच्छे और बुरे संस्कार हैं उनका धारक कौन है? स्थिर आत्मा। हम कल थे, परसों थे, नरसों थे, 10 वर्ष पूर्व थे, 20 वर्ष पूर्व थे, इसी प्रकार इस शरीर के पहले भी थे, इस अनुमान से कि नहीं थे तो कहाँ से आ गए, अब हैं तो कहाँ चले जाएंगे। विज्ञान मानता है कि तत्व का एक कण भी नया बनता नहीं और जो है वो मिटता नहीं, केवल संयोग वियोग होता है, बस इतना ही होता है। शरीर हमारा है, ये मिटेगा तो कण कण अलग हो जाएंगे, एक कण भी नष्ट नहीं होगा, बिखर जाएगा, शरीर का रूप नहीं रहेगा, लेकिन एक कण का भी नाश नहीं होगा और एक कण नया बनेगा नहीं,
जड़ तत्व में एक कण न नया बनता है, न एक कण नया, न एक कण मिटता है, तो क्या चेतन मिट जाएगा? और चेतन बन गया। दो विचार वाले हैं। एक विचार कहता है कि जड़ तत्व चिरंतन है, नित्य है, जड़ से ही चेतन बन जाता है। दूसरा विचारक है कि जड़ कुछ नहीं है, चेतन ही है, और चेतन ही के भ्रम से जड़ जगत दिखाई देता है। एक है जड़ाद्वैतवाद, एक है चेतनाद्वैतवाद। जड़ाद्वैतवाद कहता है कि जड़ ही की सत्ता है, चेतन स्वतंत्र नहीं है, जड़ का परिवर्तन चेतन है। चेतनाद्वैतवाद कहता है कि चेतन ही एक सत्ता है, जड़ कुछ है ही नहीं, चेतन का ही विवर्त है, मिथ्या भ्रम है जड़ जगत। ये दोनों गलत कहते हैं। जड़ और चेतन दोनों हैं। जड़ साक्ष्य है, चेतन साक्षी है, जड़ भोग्य है, चेतन भोगता है। दाल भात को लोटा पीढ़ा गिलास नहीं खाते हैं, दाल भात को खाने वाला भोगता चैतन्य मनुष्य है। भोग भोग को नहीं भोगते हैं, भोग को भोगने वाला भोगता चेतन होता है। इसलिए जड़ पदार्थ जैसे नित्य हैं, वैसे चेतन नित्य है। प्रकृतिम पुरुषम च विद्यनादि उभावत, प्रकृति पुरुष दोनों अनादि। कपिल जी ने बहुत पहले ये कहा था, जड़ और चेतन दोनों की सत्ता नित्य है, कोई कहे न कहे, आप चेतन हैं, जड़ नहीं। इस जीवन में आप स्थिर अस्तित्व का बोध करते हैं। आप बचपन में थे, यहाँ कोई 70 वर्ष का व्यक्ति बैठा हो तो 60 वर्ष पुरानी बातें उसे याद होती, 65 तक की याद होती। अगर स्थिर सत्ता आत्मा की न होती तो वो कैसे याद करता? शरीर के कण 7 वर्ष में बदल जाते हैं, वैज्ञानिक मानते हैं। अगर कोई 21 वर्ष का आदमी है तो 3 बार आमूल चूल कण बदल चुके हैं, 42 वर्ष का है तो 6 बार बदल चुके हैं, 7 वर्ष में शरीर के सारे कण बदल जाते हैं। अगर आत्मा कणों का जोड़ होता, 7 वर्ष के पहले की बातें कैसे याद करता? पहले जन्म की याद कैसे क्यों नहीं होती है? पहले जन्म का शरीर नहीं, घटनाएं सामने नहीं तो कैसे याद हो? पहले जन्म क्या, इसी जन्म में जब हम जन्मे थे उस समय की याद नहीं है? और छोड़ दो, कल इसी समय 12 बजे 12:01 पर आप क्या सोचते थे, आपको ख्याल नहीं। जब इसी जन्म की बातें भूल जाती हैं तो आगे जन्म की कैसे याद हो, पिछले जन्म की कैसे याद हो? अखबारों में छपता है, अमुक ने पहले जन्म की याद की और बताया, और उसकी घटनाएं बड़ी विवरण पूर्वक छापते हैं। ऐसी घटनाओं का साक्षात्कार मैंने नहीं किया है, इसलिए उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु सत्ता नित्य है, जड़ भी नित्य है, चेतन भी नित्य है। जो कुछ है, कुछ नया नहीं है, सब वही है और सब वही रहेगा। जो काम करने की चीज है वो एक ही है, सुख से जीना, वर्तमान में सुख से जीना। तो सुख से जीने की परिभाषा लोग करते हैं, घर द्वार अच्छा हो, गाड़ी घोड़ा हो, खाने पीने की चीजें हो, रुपया पैसा हो, तो सुख से जिएंगे। ये परिभाषा दैहिक हुई, रुपये पैसे की जरूरत है। रुपये पैसे से जो जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं उसको हम खरीदते हैं,
इसलिए रुपए पैसे की भी जरूरत, रुपए पैसे से कोई काम की चीज नहीं है। आपको अन्न न मिले, पानी न मिले, कपड़े न मिले, घर न मिले और सोने के सिक्के 10-20 बोरा दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे। इसलिए जरूरी चीज तो है अन्न पानी कपड़े घर द्वार, ये सब जरूरी है। इसी को खरीदने के लिए बेचने के लिए सोने चांदी के सिक्के गढ़े गए, फिर कागज के नोट आज के जमाने में बना दिए गए हल्के रहे। तो ये सरकार का एक मानदंड है व्यवहार बर्ताव करने, इसलिए रुपए पैसे की भी जरूरत है। एक साधु महात्मा है, बस पर बैठा, कंडक्टर आया, टिकट नहीं है, पैसा लाओ। अगर उसकी झोरी में पैसा है तो टिकट कटा सकता, नहीं तो उतार देगा। भूखे प्यासे हैं, पैसा है कुछ लेके खा लिए, नहीं पैसा है कैसे होगा। इसलिए पैसे की जरूरत है, अन्न पानी की जरूरत तो है ही है। तो जीवन गुजर की वस्तुओं की जरूरत है और सुख से व्यवहारिक ढंग से भी रहना चाहिए। पेट भर भोजन मिले, तन भर कपड़ा मिले, सोने की जगह मिले, ये सब चाहिए। लेकिन क्या इतने से मन शीतल हो जाएगा? अगर पेट भरा रहेगा तो मन में चिंता नहीं रहेगी, केवल ये चिंता नहीं रहेगी कि रोटी मिलना चाहिए, क्योंकि रोटी मिल गई। अब ठंड महीना रजाई ओढ़े हैं तो अब ये चिंता नहीं कि भाई रजाई मिल जाए, लेकिन मन के अंदर में जो जलन है, उद्वेग है, अशांति है, वो रजाई से नहीं ठंडी होगी। है आबोहवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जिसे कश्मीर उसे कहते हैं। तो बाहर की ठंडक तो जरूरी है लेकिन भीतर की ठंडक और जरूरी है। एसी भवन एसी कार में रहते हुए कुछ लोग हैं सदैव एसी में रहते हैं, कमरे में बैठे हैं तो एसी है, कमरे से निकल के बैठे कार में तो एसी, ऑफिस में तो एसी है, सब जगह एसी है, ट्रेन में है तो वहाँ भी एसी रिजर्वेशन है। सब समय एसी में रहते रहते मन एसी में है कि नहीं? मन जल रहा है तो शरीर तो ठंडा हो गया। एक माता का शरीर मेरे मुझे दिखाई दिया, वो 50 वर्ष की होगी, देह भर में गुट्ठे गुट्ठे और दाने दाने छाले छाले। मैंने कहा क्या हुआ? कहे साहब क्या करूं, एसी में रहते रहते शरीर खराब हो गया, अब एसी को छोड़ दिया है। डॉक्टर ने कहा एसी ने तुम्हारा खराब किया है, एयर कंडीशन्ड ने। तो सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता शरीर निर्वाह के लिए है, सुख असली सुख मन की शांति है और उसके लिए शुभाचार शुभ रहनी। अच्छे आचरण से रहना इसकी जरूरत है। जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं अगर लाग डांट राग द्वेष कलह कल्पना करेंगे तो सुख से नहीं रह पाएंगे। इसलिए किसी से वैर विरोध न रखो, प्रेम का बर्ताव करो। जो दुष्ट जन है, जो सुधारने सुधर नहीं सकते, जिनको आप बदल नहीं सकते, उनके लिए उपेक्षा ये ठीक है, लेकिन उपेक्षा मतलब ईर्ष्या द्वेष नहीं, निंदा नहीं। उपेक्षक मतलब है मन वाणी कर्म से उससे निष्प्रय हो जाना। कोई सज्जन है उनसे प्रेम करो, संत है उनसे प्रेम करो, सद्गुण मिलेंगे। सुखी लोग हैं उनसे प्रेम का व्यवहार करो, ईर्ष्या फिर मन में नहीं होगी। दुखी लोग हैं उन पर करुणा करो, लेकिन जो
जानबूझ करके उल्टा चलने के लिए कमर कसे, उनसे मौन रहो, शांत। उनकी न निंदा करो न प्रशंसा करो, अलग थलग अपने आप शांत। ये उपेक्षा बताई गई है साधना में, मुदिता मैत्री करुणा उपेक्षा, चार साधनाएं मन को शुद्ध करने के लिए बताई गई। सुखियों को देख करके प्रसन्न होना, दुखियों को देख करके करुणा करना, पुण्यात्माओं से मैत्री करना, और जो ठीक ठाक नहीं चलते हैं और उनको आप सुधार भी नहीं सकते हैं, उनकी उपेक्षा करना। उपेक्षा का मतलब उनसे मन वाणी कर्म से संबंध ही न रखना, तो मन में विक्षेप नहीं होगा। ये मन को शुद्ध करने की साधन है। जिन मनुष्यों के बीच में हम रह रहे हैं उनमें मधुर बर्ताव, अगर उनमें कलह करेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। कोई कलह करता है हम कलह न करें, जो कलह प्रिय है उससे अलग रहें, हम किसी से कलह न करें, सबके साथ सुंदर बर्ताव करें, आपाधापी न करें, त्याग करें, त्याग से रहें, किसी की चीज न छीने, समता से बरतें, किसी के हक को न मारें, अपनी इंद्रियों को वश में करें। गृहस्थों को केवल संतान उत्पन्न करने के लिए नर नारी का संबंध मान्य है, प्रकृति के विधानानुसार। अगर संतान उद्देश्य नहीं है तो नर नारी की संगत किस लिए है? आदत, गंदी आदत, उद्वेगित करना, अपने को मलिन करना, पछताना, वासना पुष्ट करना, भवबंधन मजबूत करना, कौन सी समझदारी? ये फटफट क्या होता है भाई? सड़क में होता है, काम वासना पर विजय की जरूरत है। काम वासना के बस जीव भटकता है। गृहस्थ को केवल संतान उत्पन्न करने के लिए क्षम है बस, बाकी तो अपने कोई डाल के सड़ाता रहे, कौन रोकता है? कोई फायदा है? नुकसान के सिवा? शरीर को छीण करो, मन को छीण करो, वासना मजबूत करो, बिलबिलाओ उसी में, तृष्णा में हरदम उसी जप करो, गंदी चीज की वासना पुष्ट हो, वह बंधन पुष्ट हो, और क्या होगा? संयम से रहो, क्रोध को रोको, किसी को कष्ट न दो, लोभ को जीतो, किसी के हक को न मारो, अपनी चीजों को जो बन सके दूसरे की सेवा में लगाने की चेष्टा करो, अपने मन को संभालो, वाणी को संभालो, कर्मों को संभालो। ये काम करने से स्थिर सुख मिलेगा। हमारे मन वाणी कर्मों के प्रभाव से संस्कार बनते हैं और संस्कार ही पूंजी बनती है। हम रुपये पैसे मात्र को पूंजी मानते हैं, रुपया पैसा स्थूल पूंजी है, उसकी भी जरूरत है, उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भीतर की पूंजी को समझो। आत्म धन जेठौर है बचन कबीर उपदेश। कबीर साहब के उपदेशों के वचन में आत्मा रूपी धन पर जोर है। उपनिषदों के ऋषियों ने इसी पर जोर डाला है, आत्मा पर जोर डाला है। वेद में कर्मकांड बहुत है, लेकिन वेद में भी
जहाँ खास बात कही गई वहाँ आत्मा पर कही गई। अष्टाचक्रानो द्वारा देवानाम पूर्योद्या तस्याम हृदय कोशा स्वर्गो ज्योत सावृता, ये अथर्ववेद में आता है। आठ चक्र, नौ द्वार वाला, नौ द्वार वाली देवताओं की अयोध्यापुरी ये शरीर है। अयोध्या शब्द चारों वेदों में मुझे यही एक जगह मिला है। वेद क्या कहते, मेरी पुस्तक है, आप पढ़ करके वेद के सारे विषयों को जान सकते हैं, बुक स्टॉल में होगा। चारों वेदों में मुझे यही अयोध्या शब्द मिला। हो सकता है पढ़ने में फिसल गया हो, कहीं और हो, यहाँ पर मिला। अष्टाचक्र, नौ द्वारा, देवानाम पूर्योध्या तस्याम हृदय कोश स्वर्गो ज्योत सागरता। आठ चक्र, मूलाधार मणिपूरन आहत विशुद्ध आज्ञा सहस्र सार इत्यादि आठ चक्र, गुदा से लेके सिर तक, और नौ द्वार, दो आँख, दो नाक, दो कान, मुख, टट्टी पेशाब की जगह। अष्टाचक्रानो द्वारा देवानाम पूर्योद्या, देवताओं की अयोध्यापुरी शरीर है, देवता नाम इंद्रियां। वैदिक भाषा में इंद्री मन को देवता कहते हैं पिंड के, और ब्रह्मांड के देवता चांद सितारे को कहते हैं। तस्याम हृदय कोशा, इस शरीर रूपी अयोध्या नगरी में सोने का खजाना है। तस्याम उसमें, हृदय कोशा हिरण का कोश है, सोने का खजाना है, वो क्या है, आत्मा। स्वर्गो ज्योत सावृता, जो आत्मा में लीन हो जाता है स्वर्ग में पहुंच गया, वो ज्योत से आवृत है। आप स्थिर होके बैठिए, अपने मन को समेट लीजिए, अपने में लीन हो जाइए, ये स्वर्ग है, ये मोक्ष है, परम पद है, जीवन का परम धन है, परम सुख है, आत्म संतोष, आत्म तृप्ति। तथागत बुद्ध ने कहा, पटिवासे यत्तमत्तना, आत्मा द्वारा आत्मा में निवास। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः, आत्मनैव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मरत है, आत्म संतुष्ट है, आत्म तृप्त है, उसको कुछ करना बाकी नहीं। सतगुरु कबीर कहते हैं, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। जब तक दिल पर दिल ना होगा सब सुख नहीं होगा, अनंत सुख। ऐसा जीवन जियो जिसके परिणाम में उद्वेग न आए, किसी की बुराई न देखो, किसी से उलझो न, अपने आसपास के लोग हैं उनको समझाने की चेष्टा करो, और जिनको समझा न पाओ उनसे अलग रहो, उलझो न, उनकी बुराई न करो, लड़ाई न करो, झगड़ा न करो। जान लो कि हम समझा नहीं सकते, इनको रास्ते पर नहीं ला सकते, तो मौन हो जाओ, यही साधना। थोड़ा दिन का, थोड़े दिन का जीवन है। आजकल में बैरी मित्र सब मर जाएंगे, अपना शरीर भी मर जाए, कुछ रहेगा नहीं, इसलिए कहीं ना उलझो। समझदार वह है जो कहीं नहीं उलझता। अपने को संभालो, वासना का त्याग करो, मोह का त्याग करो, आसक्ति को जीतो, जीवन में मुक्ति का आनंद लो, वर्तमान को संभालो। जिसने वर्तमान को संभाल लिया भूत भविष्य सुधर गया। एक आदमी शराब 50 वर्ष से पीता है, आज उसे समझ हुई, शराब का त्याग कर दिया। त्याग करने में कठिनता लगी, लेकिन धीरज धर के त्याग दिया। महीनों बीत गए, वर्ष बीत गए, अब शराब की गंध उसे अच्छी नहीं लगती, शराब को छूता नहीं, शराब से बिल्कुल निवृत्त हो गए।
तो वर्तमान की ही श्राप की आसक्ति नहीं मिटी है, 50 वर्षों से जो पीता था वो सब आसक्ति मिट गई। वर्तमान में आसक्ति छूट जाने से पूर्व पूर्व 50 वर्षों की आसक्ति मिट गई। और अगर वर्तमान में शराब न पिए तो भविष्य में बंधन बनने कोई चांस नहीं, क्योंकि सारा जीवन का भविष्य वर्तमान होता जा रहा है और वर्तमान में वो ठीक है शराब नहीं पीता पूरा जीवन कल्याण में। जिसने वर्तमान सुधार लिया भूत भविष्य अपने आप सुधर गया। आपसे कोई गलती हो गई पहले, चाहे कोई गलती हुई वो मर गई, अब उसमें ग्लान करो ऐसे उसी गलती न करो। आज अपने आप को संभालो, अगर आज आपने अपने को संभाल लिया तो जितनी गलतियां पीछे हुई थी सब सुधर गई, अब आप ठीक है, अब आगे भी ठीक रहेगा। केवल वर्तमान में ठीक रखो, पूरा जीवन ठीक कर लो, बस भूत भविष्य सब सुधर गए। शरीर जब छूट जाएगा, अगर आत्मा अमर है तो आपको फल मिलेगा मोक्ष, सदा के लिए कृतार्थ। अगर मोक्ष का काम नहीं कर पाए, शुभ कर्म मात्र में रहे तो अच्छी गति होगी। जहाँ शरीर धरोगे अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा मिलेगा। और अगर ये माने रहे आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, कुछ नहीं है, मर जाने बाद कुछ नहीं है, और वर्तमान में बिगाड़े सुधारे नहीं तो जीवन भर जलोगे, और मर जाने के बाद कहीं आत्मा अमर हो पुनर्जन्म होता हो तो दुख होगा। आत्मा अमर मानने वाले, पुनर्जन्म मानने वाले अगर गारंटी नहीं दे सकते इसकी, तो आत्मा और पुनर्जन्म न मानने वाले भी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आत्मा नहीं होती है और पुनर्जन्म नहीं है। कैसे गारंटी देंगे? क्या उनके पास प्रूफ है कि नहीं होता है? ये सब कहाँ चले जाएंगे? पानी सूख गया, जो वर्षा बरसात का पानी, क्या नष्ट हो गया? सब जल चक्र में स्थिर है। इसीलिए वेदों में आकाश को समुद्र कहा गया। असली समुद्र आकाश है, जिसमें कणों के रूप में पानी भरा है, वहीं से बरसता है। इतने समय तारे नहीं दिखाई देते तो तारे खो गए, नष्ट हो गए। रात में सूरज नहीं दिखाई देता है तो सूरज समाप्त हो गया। यहाँ कुछ नष्ट नहीं होता है, कुछ समाप्त नहीं होता है, संयोग बिगड़ता है बस। शरीर बिगड़ जाता है फिर बन जाता है, मकान टूटते फिर बना लिए जाते हैं। मूल तत्व जड़ और चेतन दोनों बनते नहीं और मिटते नहीं, दोनों के संयोग से प्रपंच नित्य है। आप नित्य हैं, आप अपने को संभालें। हम और आपका खाम काम खास क्या है? अपने उद्देश्य को पाना। उद्देश्य क्या है? दुखी न होना। दुखी न होना जीवन का उद्देश्य है। अपने मन को अगर हमने संभाल लिया तो हम दुख से मुक्त हो जाएंगे। कोई हमें गाली दे दे कोई अर्ज नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? हमारा नुकसान करे, भौतिक नुकसान कर देगा, हमारे आत्मिक नुकसान नहीं कर सकता। हम किसी को नुकसान न करें, हम किसी को दुख न दें, हम किसी को गाली न दें। आदमी अपने पर सुबस अपने को सुधार के रख सकता है और इसी में कल्याण है। दूसरे पर अपनी कोई सुबसता नहीं। हर इंसान वर्तमान में जीवन मुक्ति का आनंद ले सकता है, जीते जीते मुक्ति के आनंद में रह सकता है, और यही जीवन का फल है। भौतिकवादी क्या चाहता है? सुख वो भी चाहता है। हर प्राणी अच्छा सुख चाहता है, ऐसा सुख नहीं चाहता मिले वो छूट जाए, ऐसा सुख चाहता है जो कभी न छूटे।
और कभी न छूटने वाला सुख आत्मिक सुख है, संतोष का सुख है। जब मन सिमट जाता है अपने आप में, वो सुख, वो नित्य सुख है, ये कोई भी प्राप्त कर सकता है। इसमें केवल अपने को संभालना है, ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं मुक्त हूँ। आपकी मुक्ति कोई जाने न जाने, उसे कोई फायदा होने वाला नहीं और हानि होने वाला नहीं। बोधवान सबसे बताता फिरता है कि हम बोधवान हैं, हम कृतार्थ हैं, और बतावे तो क्या कोई मानने वाला है? क्या कबीर साहब को सब माने, नानक साहब को सब माने, तथागत बुद्ध को सब माने, रामकृष्ण को सब माने, वर्तमान में जो संत महापुरुष हुए उनको सब माने? मैंने श्री विशाल साहब को देखा अपने जीवन में, कृतार्थात्मा पुरुष, उनको गाली देने वाले थे, साधु महात्मा तक उनको गाली देने वाले थे। तो कोई विवेकवान ये सोचेगा कि मैं सबको बता दूं कि मैं मुक्त हूं, इसकी जरूरत है? बताने की जरूरत नहीं, मुक्त होने की जरूरत है, स्वयं कृतार्थ होने की जरूरत है, प्रतिक्रिया रहित, रिएक्शनलेस, अपने आप में संतुष्ट, ये काम करना चाहिए। और ये काम करने के लिए हर नर नारी स्वतंत्र है। सह लो, सहने में क्या जाता है? स्वयं न सहो, कोई कट कहे सह लो, स्वयं कट न कहो। कोई आपका नुकसान किया सह लो, उसका नुकसान न करो। व्यवहार की बात अलग है, ये मैं साधना की बात कहता हूँ। व्यवहार में पद है, पंचायत है, न्याय है, कानून है, उसमें भी लोगों को जाना पड़ता है, वो अलग पक्ष है। साधना का पक्ष है, आपकी पत्नी ने आपके अनुकूल काम नहीं किया तो क्या मुकदमा लड़ोगे? या मोहल्ले वालों बुला करके पंचायत बैठाओगे? पंचायत और मुकदमा की एक सीमा है। आपके घर में जो आपस में विवाद होता है उसके लिए पंचायत नहीं चलेगी, वो मुकदमा नहीं चलेगा, उसमें सहना होगा। पत्नी का सह लो, पति का सह लो, पुत्र का सह लो, पिता का सह लो, शांति मिलेगी और दूसरा भी सोचेगा। आप घर में गए, पत्नी ने कुछ कड़ा कह दिया, अब आपने भी कड़ा कह दिया तो लंका कांड शुरू हो गया। उसने कड़ा कहा लेकिन आप शांत रह गए तो उसको पश्चाताप होगा और सुधारेगी, आपको शांति मिलेगी, उसको भी शांति मिलेगी। इसलिए सहने में क्या नुकसान है? सहाओ ना, किसी छीनो ना, आपका कोई छीन लिया आप न छीनो, अपने मन को मारो, इसमें क्या परेशानी है? परेशानी अपना अहंकार, अपनी कामना, जो काई जमी है आसक्ति की, वही परेशानी। लेकिन उसको काटे बिना काम न बनेगा। कोई आपको मोक्ष नहीं दे सकेगा, कोई आपका कल्याण नहीं कर सकेगा। संत गुरु जो हमें रास्ता बताते, कम उपकार उनका नहीं है, और वो क्या करेंगे? लोग कहते महाराज आपकी कृपा हो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे भाई, संत गुरु कृपा तो है ही है, अपनी कृपा अपने ऊपर करो। वे रास्ता बता रहे हैं, अपनी कृपा अपने ऊपर कर ही नहीं रहे हो, कैसे कल्याण? क्या रास्ता बताना कम कृपा है? हमें संत गुरु न मिले होते तो हम इतना जान पाते? पता नहीं कहाँ भटकते होते। ये तो संत गुरु की कृपा है जो बताए रास्ता और मिला और समझ में आया। इसलिए संत गुरु सज्जन सबकी कृपा हमारे ऊपर है। ईश्वर की कृपा हो जाए, इतनी बड़ी जमीन मिली है, पृथ्वी, आकाश मिला है, हवाएं मिली हैं, चांद सूरज मिले हैं, शरीर आपको मिला है, आंख नाक कान हाथ पैर सब मिले हैं, कितनी कृपा आप चाहते हैं? अपनी कृपा अपने ऊपर करना होगा आगे।
द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोह, तय तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा तो। कबीर साहब कहते हैं, राम जी तेरे दरवाजे पर मैं आ गया हूँ, आकर के मिलो। तो वो घर वाला कहा कि महाराज अब आ ही गए हो तो अंदर में आ जाओ। कबीर साहब ने कहा मैं अंदर में नहीं आऊँगा, यहाँ तक आ गया काफ़ी हो गया, अब तेरे घर जो हो तो तू भी चल, मैं तो तेरे दरवाजे पर आ गया, इतना आ गया अब तू अंदर से नहीं आ सकता है। तो भाई जब तक आप स्वयं न उत्सुक होगे, जो जीव झांक न उपजे कहा पुकार कबीर। साहब कहते अगर मनुष्य के अंदर में झांकी न उत्पन्न हो, प्रेम न उत्पन्न हो तो पुकारने से क्या होगा। संत गुरु तो पुकार रहे, सदा से पुकार रहे, हमें अपनी आंखें खोलनी होगी, जगना होगा। कोई दूसरा उद्धार करना करने वाला नहीं है, हमें स्वयं अपना उद्धार करना होगा। एक एक कुकर्म करके अपने मन को हमने गंदा बनाया है, उस गंदगी को दूर करने के लिए हमें स्वयं प्रयास करना होगा। क्या हमारे मन को दूसरे ने गंदा बनाया है? दूसरे के कारण हम उलझ गए, हमारी कमजोरी है, दूसरे ने हमें गाली दे दी इसलिए हम उलझ गए। गाली दी उसका स्वभाव, उसका विचार है, गाली देने दो, हम न उलझे। निमित्त तो नियम बने रहेंगे, सारे निमित्तों को जीतना वीरता है, अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहेगी। सभी स्थितियों में जो अपने को अप्रभावित रखे वही सच्चा साधक है, सच्चा इंसान है। रात को शाम को बताया गया श्री राम को कि सुबह राजगद्दी दी जाएगी, और सुबह बताया गया 14 वर्ष का वनवास, इतना उलट फेर। अभी गत वर्ष चुनाव जब हुआ लोकसभा का, तो भारतवर्ष के सारे भविष्यवक्ता पंडितों ने दिया कि अटल जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे, सब के सब टोटल। अब ऐसा पासा पलटा क्षण ही में कि अरे अटल जी खारिज, और वो नहीं हुए। भविष्यवक्ता का भविष्य ज्ञान सब बेकार हो गया। अब इधर जो अटल जी बेचारे नया कुर्ता सिलवा ले रहे होंगे कि यही पहन करके तब फिर शपथ ग्रहण करूँ, और अपने कमरे में बैठ के मुरझा गए। वो तो बेचारे बोलते ही नहीं थे, सुनता हूँ कितना शॉक लगा। वैसे वो वीर पुरुष हैं खुद, लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव तो आते हैं संसार का, ये संसार है। आप कहाँ से क्या चाहते हैं? बच्चे के लिए बड़ी कामना, जब बच्चा पैदा होता है कहते हैं पिता की छाती गज भर की चौड़ी हो गई, लड़का पैदा हुआ। लेकिन वो खुद नहीं सोचता है मेरे पिताजी मुझसे कितने खुश हैं। जब जवान लड़का होगा तो आप उससे खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि उसकी दुनिया अलग रहेगी, अब आप खींचेंगे। इस संसार में ठोकर और चांटे के अलावा और कुछ है? कुछ नहीं, केवल चांटे चांटे चांटे। जो सब चांटों को सह ले वो सुखी रहेगा। सहना सीखें, अपने को जीतें, आत्मविजयी बने। जो आत्मविजयी है, जिसने अपने पर विजय की, अपने मन को जीता, अपनी इंद्रियों को जीता, अपनी वाणी को जीता, और सदा आनंद कंद है। जो कहते हैं आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म नहीं होता है, और जो कहते होता है, वो विवाद न करें। अगर आज आप सुखी रहेंगे ठीक से तो जीवन सफल है, और मर जाने के बाद जा रहेंगे वहाँ भी सुखी रहेंगे, क्योंकि आज का जो संस्कार है वो काम देगा। इतने लोग सो जाएं, इसमें कोई इंग्लिश बोलने वाला हो, कोई अरबी, कोई हिंदी, कोई संस्कृत, कोई बंगला, सब सो जाए,
जब सो के उठेंगे तो सब अपनी अपनी भाषा बोलेंगे, सोने से भाषा थोड़े खो जाएगी। इसी प्रकार जो हम कर्म किए रहेंगे वो कर्मों के संस्कार ही आगे रहेंगे, किसी कने से उड़ नहीं जाएंगे। इसलिए जिसने आज सुधारा उसका भूत सुधर गया और भविष्य सुधर गया। इसलिए हम लोग विवाद छोड़ करके वर्तमान को सुधारें, वर्तमान में अपने मन को ठीक करें, वाणी को ठीक करें, इंद्रियों के बर्ताव को ठीक करें। ये सब का फल मन मक्खन हो जाएगा, शीतल मिष्ट, और यही जीवन का परम सुख है। जो मन का सुख है, मन की शांति का सुख है, यही सर्वोच्च सुख है। ऐसे व्यक्ति के मन में शिकायत नहीं होती है, कोई शिकायत नहीं, शिकायत रहित संतुष्ट जीवन। इसे प्राप्त करने के लिए भक्ति सेवा सत्संग साधना में हम सब रोल लगें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हेलो।